आदरणीय पटनायक जी, अन्य सम्मानित अतिथि गण, विभिन्न अधिकारी गण जो आज यहाँ इस जाल संगोष्ठी में बोलने वाले हैं, परोक्ष रूप से आपके साथ प्रत्यक्ष होते हुए आनंद का अनुभव हो रहा है। इस जाल संगोष्ठी में सम्मिलित होना मेरे लिए थोड़ा कठिन था, इसलिए यह चलचित्र वीडियो बना करके आपको भेज रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करें। NITTR और भारतीय शिक्षण मंडल ने मिलकर के अत्यंत प्रासंगिक और समयोचित विषय पर इस जाल संगोष्ठी का आयोजन किया है। आत्मनिर्भर भारत, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार ने इस संकट काल में, जब सारा विश्व और विश्व की आर्थिक महासत्ताएं भी बेलआउट पैकेज की, बचाव और राहत सामग्री की बात कर रहे थे, उस समय भारत सरकार ने अत्यंत भविष्योन्मुखी फ्यूचरिस्टिक चरण उठाते हुए और यह आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना भारत के सामने रखी है। शिक्षा जगत में भी इस बात को लेकर के अत्यंत उत्साह है और शिक्षा जगत का काम बढ़ गया है। भारत को यदि आत्मनिर्भर होना है तो नॉलेज क्रिएशन, इनोवेशन, ज्ञान का, नवीन ज्ञान का सृजन और नवोन्मेष, नव उद्यमिता को विकसित करना यह अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। इसलिए मैं NITTR को और भारतीय शिक्षण मंडल के पंजाब प्रांत को बधाई देना चाहता हूँ कि अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उन्होंने यहाँ पर चुना है। अभाव से प्रभाव की ओर जाना, यही तो आत्मनिर्भरता का लक्षण है। स्वतंत्रता से पूर्व हमारी जो संपन्नता थी, 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी तक एंगस मेडिसन के विश्व के आर्थिक इतिहास की पुस्तक में, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियल पर्सपेक्टिव नाम की पुस्तक में एंगस मेडिसन लिखता है, 15वीं शताब्दी तक भारत विश्व को 66% GDP और बाद में 40%, और जिस समय अंग्रेज इस देश में आए 1920-22-25 के पास, जब वो स्थिर होने लगे, उस समय 23%, बक्सर की और प्लासी की लड़ाई होती है उस समय 20% विश्व के GDP का अंशदान, योगदान भारत करता था। ये भारत की आर्थिक संप्रभुता और समृद्धि थी जिसको अंग्रेजों ने लूट लिया और इसलिए 1947 में केवल 2% तक रह गए। सबसे बड़ी बात जो मानसिकता में एक दासता, गुलामी मानसिकता में जो आ गई, उसके कारण जो कुछ भी अच्छा होगा वो विदेश से आएगा, इस प्रकार की मानसिकता इस 1835 से चली शिक्षा व्यवस्था ने हम सबके मन में डाली। यदि सही ढंग से कोई तिथि ही देना चाहे तो मैं तिथि देना चाहूँगा, 11 मई 1998 को चमत्कार हुआ। हम सब लोग जानते हैं उस शक्ति दिवस पर पोखरण में परमाणु विस्फोट करके भारत ने अपनी तकनीकी, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमसी को, आत्मनिर्भरता को विश्व के सामने सिद्ध किया। 3 स्तरों पर पोखरण ने भारत के पूरे जनमानस की और भारतवंशियों की, विश्व भर में फैले हुए भारतवंशियों की मानसिकता को बदल दिया। क्योंकि उस दिन यह चमत्कार हुआ था कि ऐसी प्रौद्योगिकी का, ऐसी तकनीक का विकास भारत ने कर लिया था कि जिस तकनीक से न केवल हम परमाणु संपन्न शक्ति बने, हमने आगे किसी भी परमाणु परीक्षण के बिना और केवल कंप्यूटर सिमुलेशन से हाइड्रोजन बम की टेक्नोलॉजी विकसित करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और तकनीकी और उपलब्धि प्राप्त की, अचीवमेंट प्राप्त किया। दूसरी विशेषता यह थी कि यह पॉलिटिकल विल भारत दिखाएगा, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भारत दिखाएगा, इसका भारतीयों को ही विश्वास नहीं था। इतना झुकते, इतना दबते हुए हमने 150-200 वर्ष निकाले थे कि हम सीना तान करके, गर्दन ऊंची करके दोपहर में 3 बजे, उस समय तो केवल दूरदर्शन था और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके पीछे नाम के प्रधानमंत्री प्रमोद महाजन खड़े हैं, आज भी वह दृश्य मेरी आंखों के सामने है 11 मई 1998 का, और वो खड़े होकर के कहते हैं कि भारत ने परमाणु विस्फोट कर दिया। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति कोई दिखा सकेगा ऐसा विश्वास नहीं था, भारतीयों का विश्वास जगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि 3,500 से अधिक वैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ, साइंटिस्ट, सेना के अधिकारी, सामान्य सिपाही, पोखरण के गांव के श्रमिक, गांव के लोग, इतने लोगों का सीधे इन्वॉल्वमेंट, सीधे संबंध होने के बाद भी एक भी नहीं बिका,
और ना ISI को ना CIA को भनक लगी और सारा विश्व अचंभित रहा। ऐसा कहते हैं कि उस दिन CIA के प्रमुख की नौकरी चली गई। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बुला करके कहा, तुम पोखरण नहीं पता कर पाए, तुमको इस पद पे रहने का अधिकार नहीं। ये भारत ने शक्ति उस दिन दिखाई और भारत का मानस बदल गया। सारे विश्व में रहने वाला भारतीय डायस्पोरा, भारत वंशीय, जो अप्रवासी भारतीय हम जिनको कहते हैं, NRI जिनको कहते हैं, जो उस देश के नागरिक तो बन गए कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन जिनका हृदय आज भी भारत के गांवों में बसता है, आज सुरीनाम के प्रधानमंत्री बन गए तो वेदों पर हाथ रख करके शपथ लेते हैं, तो हरियाणा के उस गांव में उनका हृदय बसता है। ऐसे जो भारतवंशी है, और एक समय अंग्रेज़ों के बारे में जो कहते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य पर सूर्य अस्त नहीं होता, आज ये कहा जाता है कि भारतवंशी जहाँ जहाँ रहते हैं उस पूरे विश्व में सूर्य अस्त नहीं होता, विश्व के हर देश में भारतवंशी है और अग्रणी है, गर्वोन्नत है, ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी है। नासा में वही चला रहे हैं, वकील वही है, डॉक्टर वही है, अकाउंटेंट वही है, व्यापारी वही है, पूरे अफ्रीका का डायमंड व्यापार, पूरे अफ्रीका का खदान व्यापार, लैटिन अमेरिका में, कनाडा में व्यापारी भारतीय है, उद्योगपति है, सारे भारत में आरसेलर मित्तल के जैसे अनेक उदाहरण हैं। विश्व को खरीद लिया, टाटा ने जगवार को खरीद लिया, ये हर बात में अग्रणी है। 1998 के बाद उनका आत्मविश्वास जग गया। वो 3 वर्ष जिसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, 1998 से लेकर 2001 तक सारे विश्व ने प्रतिबंध डाले थे, सुपर 305 कुछ नाम था, और उन 3 वर्षों में भारत की सामाजिक उद्यमिता बाहर आई, जो आज का विषय है। हरि दामोदरन नाम के एक लेखक है, हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करते थे, बाद में अभी तो लेखक के रूप में है। नंबुत्रिपाद जो केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री रहे, उनके नाती है, उनके ग्रैंडसन है, कम्युनिस्ट नेता का ग्रैंडसन पुस्तक लिखता है हरि दामोदरन, उसका नाम है द न्यू कैपिटलिस्ट्स ऑफ इंडिया, नॉन बनिया कास्ट, ये उस पुस्तक का नाम है। बनिया को छोड़ करके, वैश्य वृत्ति करने वाली जातियों को छोड़कर के अन्य जातियों की उद्यमिता पर उन्होंने लिखा है, उसमें नाडार के बारे में लिखा है, उसमें रामघड़िया लुहार के बारे में लिखा है। ये सामान्य रूप से आज की पॉलिटिकल भाषा में OBC या SC जिनको कहा जाता है, उन जातियों ने कैसी उद्यमिता दिखाई और भारत को, ये उन 3 वर्षों का इतिहास है। भारत की आंतरिक उद्यमिता जागृत हुई, लिज्जत पापड़ उदाहरण है, अमूल उदाहरण है। इसलिए भारत को आज विश्व को आत्मनिर्भरता का संदेश देते समय, इस कोरोना के महामारी के बाद में जब चीन के ऊपर निर्भरता ने विश्व को पंगु बना दिया, अमेरिका तो पंगु हो गया, सुई नहीं पैदा करते, हर मैन्युफैक्चरिंग उनका चीन के ऊपर निर्भर है, पैक्ड फूड वहाँ से आता है, अमेरिका के 60% घरों के अंदर और किचन नहीं है, रसोई नहीं है, इसलिए खाना पकाना नहीं जानते, इसलिए घरवास में लॉकडाउन में उनकी पंक्तियां लगती थी, सुपरमार्केट खुलता था तो उस दिन पैक्ड फूड खरीदने के लिए, जो माइक्रोवेव में गर्म करके वो खाते हैं बेचारे, और वो भी चीन से आता है, और चीन से दुश्मनी हो गई। अब क्या करोगे, आत्मनिर्भर विश्व बनने जा रहा है, उस आत्मनिर्भर विश्व के लिए भारत को आत्मनिर्भरता का संदेश देना है तो मार्केट इकोनॉमी के अर्बनाइजेशन को बदलना पड़ेगा। आपने जो सब थीम लिए बहुत अच्छे हैं, रूरल अर्बनाइजेशन का विषय आपने एक नया शब्द गढ़ा है, पूरा, हमारे APJ अब्दुल कलाम ने विजन 2020 में पूरा की बात की, जो नागपुर सोलापुर नाम जो पूरा संस्कृत का शब्द है नगर के लिए, पूरे यानी नगर, उसको उन्होंने एब्रीविएशन बना दिया, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन द रूरल एरिया पूरा, ये उनका स्वप्न आज पूरा करने की आवश्यकता है। आज उद्यमिता का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का नया रूप हमको विश्व के सामने रखने की आवश्यकता है, जो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश ने देखा, नोबल पुरस्कार मिला, आज उस इकोनॉमिक्स को, शिक्षा जगत को उस इकोनॉमिक्स को जागृत करने की आवश्यकता है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत को अभाव से प्रभाव की ओर ले जाने के लिए, बहुत अभाव देख लिया, मेरे पिताजी को जब बजाज 150 खरीदनी थी तो बुक करने के 2 साल बाद मिली, नहीं तो ऊपर कुछ देना पड़ रहा था, और आज स्कूटर मोटरसाइकिल और कार वाले फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि कर्जा भी देते हैं, कार भी देते हैं, खरीद लो। ये अबेंडेंस की ओर हम बढ़े हैं, लेकिन वो मार्केट इकोनॉमी से बढ़े हैं। ये जॉबलेस ग्रोथ, यह कुछ लोगों के अमीर होने की कहानी को बदल करके सर्वे भवन्तु सुखिना की कहानी यदि करनी है तो हमको एक कॉम्पिटिशन के तान पर कोऑपरेशन वाली एक नई गाथा लिखनी पड़ेगी।
प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग वाली गाथा लिखनी पड़ेगी। और उसके लिए अमूल जैसा उदाहरण है जिसमें एक गरीब दो गाय रखने वाला व्यक्ति भी अमूल में अपना स्टेक, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। ऐसी गाथाएं हमको हर विषय में लिखनी पड़ेगी। सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देना पड़ेगा। NITTR टेक्निकल टीचर्स का ट्रेनिंग करता है, इसलिए वह यदि शिक्षकों के मन में यह बात डाल दे जो मैं बार बार कहता हूँ, वी हैव टू क्रिएट जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर्स। नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले देवताओं को निर्माण करने वाली शिक्षा हमको बनानी है। यह प्रभावी आत्मनिर्भरता भारत की ही नहीं, सारे विश्व की संप्रभुता को सुरक्षित करने वाली, सारे विश्व के समस्त देशों को संपुष्ट और समृद्ध करने वाली आत्मनिर्भरता को हम जागृत करें, यही प्रार्थना।